जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए देके ये एमएलए खरीदना चाहते थे उसकी जांच हो। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की सभी मुख्य बड़ी खबरें, वो भी विस्तार से। कल हमने आपको मुख्य बड़ी खबरों में बताया कि झारखंड में किस प्रकार से भाजपा नेत्री ने आदिवासी महिला को 8 साल से लगातार बंधक बनाकर रखा। इस मामले में ताजा अपडेट आया है कि पुलिस ने उस भाजपा नेत्री को हिरासत में ले लिया है। नौकरानी से क्रूरता के आरोप में सीमा पात्रा को 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की निश्चित समय सीमा में निष्पक्ष तरीके से जांच एवं पीड़िता का बेहतर इलाज कराने की भी मांग की है। पुलिस को दर्ज कराए बयान में पीड़ित सुनीता ने बताया कि उसके साथ बेरहमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो लोग अपने घर के फर्श को जीप से साफ करवाते थे। इतना ही नहीं, रॉड से मारकर उसके दांत तोड़ दिए गए, जिससे वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी। पीड़िता ने बताया कि वह काफी सालों से घर से बाहर नहीं निकली। काम करने के बाद उसे एक कमरे में कैद कर दिया जाता था। इस मामले पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट कर इंसाफ की मांग की है और लिखा है कि हैवानियत की कोई सीमा नहीं होती। कैसा दौरा चरित्र है ये भाजपा का कि जिस राज्य में इनकी सरकार है वहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक खुद एक आदिवासी बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करती है। शर्म आती है ये देखकर। सत्ता के नशे में ये इंसानियत भी भूल बैठे हैं। आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला को देश का राष्ट्रपति बनाकर भाजपा को लगता है कि आदिवासी समाज पर अब कोई भी जुल्म करे तो माफ है। उनकी खुद की एक महिला नेता का नाम ऐसे घिनौने जुर्म में सामने आया है। झारखंड सरकार को सीमा पात्रा को इस बहिष्पन की कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हैवानियत की एक और खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आई है, जहां दलित परिवार पर यादवों का कहर टूटा है। बंदूक की नोक पर प्रधानपति संतोष यादव और संत कुमार यादव ने दलित महिला से मारपीट की और घर पर लगाया ताला, गांव से किया बेदखल। कोर्ट मैरिज करने का है मामला। एक दलित प्रेमी जोड़े को कोर्ट मैरिज करने पर गांव से निकाल दिया गया। मामला गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर का है। यहाँ एक लड़की ने 16 अगस्त को कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि शादी को लेकर युवक और युवती के परिवार वालों ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर भी खबर फैलने के बाद गांव की प्रधान के पति संतोष यादव युवती के घर पहुंचकर गाली गलौज करने लगे और धमकी देते हुए घर वालों से कहा कि युवती और युवक इस गांव में अब नहीं आना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। गैंगरेप पीड़ित बेटी के इंसाफ के लिए कोतवाली गई मां के साथ इंस्पेक्टर ने किया बलात्कार। मामला कन्नौज के सदर कोतवाली का है। पीड़ित महिला अपनी 17 साल की बेटी के साथ हुए गैंगरेप की शिकायत लेकर थाने पहुंची, जहां चौकी इंचार्ज पीड़ित महिला को ही अपनी हवस का शिकार बना लेता है। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी चौकी इंचार्ज अनूप मौर्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। NCRB की ताजा रिपोर्ट से हुए बड़े खुलासे, महिलाओं पर हुए अपराध में UP बना नंबर 1। NCRB 2021 की रिपोर्ट से सामने आया है कि यूपी में वर्ष 2021 में महिलाओं पर हुए अपराध के 56,083 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राजस्थान में 40,738 मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। नाबालिग बच्चियों के साथ हुई बलात्कार या दुष्कर्म जैसी घटनाओं में भाजपा शासित मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। नाबालिग बच्चियों से पूरे देश में 33,036 मामले सामने आए हैं, तो वही अकेले मध्य प्रदेश में 3,515 मामले सामने आए हैं। देश भर में महिलाओं पर केवल बलात्कार के मामलों पर नजर डालें तो राजस्थान की गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दलित उत्पीड़न के सर्वाधिक मामले यूपी में ही सबसे ज्यादा यानी कि 13,146 दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है। झारखंड में सियासी संकट लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों की टूट का डर इस कदर सताया है कि
वे उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। यह वीडियो बस द्वारा एयरपोर्ट जाने के दौरान का है। अरविंद केजरीवाल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा पंजाब इलेक्शन में मुझे आतंकवादी कहा, जनता हंसने लगी तो कुमार विश्वास को आगे किया, अब कह रहे हैं शराब नीति में घोटाला हुआ है। सीबीआई ने कहा है कोई घोटाला नहीं, तो अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, ये 20-20 करोड़ में एमएलए खरीदना चाह रहे हैं, उसकी जाँच हो। देखो जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे, तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, जनता इनकी बात नहीं मान रही, अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जाँच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला, अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए देके ये एमएलए खरीदना चाहते थे उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं, उसकी भी तो जाँच होनी चाहिए ना भाई। 20-20 करोड़ रुपये में 40 एमएलए खरीदना चाह रहे थे, 800 करोड़ रुपये इन्होंने रख रखे थे, उसकी जाँच से क्यों भाग रहे हैं, उसकी जाँच क्यों नहीं करा रहे। आप सोच सकते हैं कि इस देश में आम आदमी को इंसाफ कैसे मिल सकता है, जब सत्ता में बैठे नेता ही जनता के साथ अन्याय करेंगे। आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी नेत्री और आईएएस अफसर की पत्नी दिव्यांग आदिवासी महिला को गर्म तवे से दागती है, मूत्र पिलाती है, कमरे में कैद रखती है, जीभ से फर्श चटवाती है, खुद न्याय मांगने गई रह पीड़ित की माँ को यूपी पुलिस में चौकी इंचार्ज अपनी हवस का शिकार बना लेता है, और इन सभी के नतीजों के चलते यूपी महिलाओं के साथ अत्याचार में नंबर वन बन जाता है। पूरे देश में पुलिस खुद सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। सत्ता पार्टी के नेता दिन प्रतिदिन एक से एक बड़े संगीन अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार देश के कई प्रदेशों में एक के बाद एक गैर भाजपा सरकारों को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खबरें सामने आना देश और देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरे की झंडी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका इन सारी खबरों पर क्या सोचना है, क्या राय है, आप क्या समझते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।